दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों के बुलंद आवाज में आपका सबका स्वागत है। मेरे आज बेरोजगार कार्यालय में तमाम वो प्रदेश के अभ्यर्थी पूछे हैं जो रीट शिक्षक भर्ती 2018 के, इसमें एक बड़ी गड़बड़ी सबके सामने आई है जो अनेक विषयों को लेकर, जो संस्कृत का हो, चाहे SST का हो, चाहे अंग्रेजी विषय का हो, चाहे हिंदी का हो, क्योंकि इनमें वो गड़बड़ी सामने आई है, वो लापरवाही सामने आई है। क्योंकि एक ही अभ्यर्थी का बार बार चयन होना, यानी कि एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा विषय ले रखे, एक विषय यानी कि दो विषय तीन विषय से किसी अभ्यर्थी का हिंदी में चयन हो गया है, उसका रिसेप्शन और वेटिंग में दोबारा संस्कृत में हो रहा है। हालांकि वो ज्वाइन नहीं करा, लेकिन वो उस व्यक्ति को दोबारा इसी कटोप में दर्शा रखा है। ऐसे में नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। जो अभी 5681 पदों पर जो वेटिंग और रिसेप्शन आई है, इसमें भी करीब कई पद अभी भी खाली है। संस्कृत विभाग हो, संस्कृत विभाग में कितने पद खाली अभी? 500 पद बताए जा रहे हैं। 614 में से 500 पद संस्कृत में खाली है। इसके अलावा SST सामाजिक विज्ञान में कितने खाली है? 1000 करीब पद अभी भी खाली है। और अंग्रेजी में 500, अंग्रेजी में 500 और हिंदी में, हिंदी में 350, 1000, 350, 500, ये तमाम वो पद खाली है जो अभ्यर्थी दूसरे विषय में ऑलरेडी कार्यरत है, नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं के शामिल करते हुए दोबारा से कट ऑफ निकाली गई है। और SST हो चाहे संस्कृत का मामला हो, हर सब्जेक्ट में उन बेरोजगारों को नुकसान हुआ है जो कुछ नंबरों से वो पीछे रह गए थे। अब लापरवाही इस संबंध में जब मैं CM संयुक्त सचिव से हमारी वार्ता CEO में हुई थी, उस समय उपनिदेशक महोदय जी मौजूद थे, उनके सामने हमने अवगत भी कराया था कि इन लोगों की या तो SOCID ब्लॉक की जाए या इन लोगों को हटाया जाए जिससे नए बेरोजगारों को मौका मिले। तब ये तय हुआ था कि नहीं, हम एक और लिस्ट जारी कर देंगे। और आज इस संबंध में मैं खुद मुख्यमंत्री निवास जाके आया, उनका एक प्रतिनिधि मंडल का सदस्य मेरे साथ था, और उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी वेंकटेश्वरन जी से मैं खुद मिलके आऊ, उन्होंने कहा कि एक और सूची जारी होगी। दोस्तों बात है कि एक और सूची फिर जारी होगी, वो समस्या फिर आएगी, कुछ पोस्टेड जो अब लग चुके फिर उसमें वापस आएंगे, ऐसे में ये समस्या लगातार आती जाएगी। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि या तो उनके SOCID को ब्लॉक कर दिया जाए, इसके अलावा जिस प्रकार जिला आवंटन में सहमति असहमति का लिया था, उन लोगों को पूछ लिया जाए कि क्या आप लोग जिला चेंज करना चाहते हैं, यानी कि विषय चेंज करना चाहते हो, क्या दूसरे विषय में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, क्योंकि अधिकतर लोगों को सही जिले मिले हुए हैं, क्योंकि जो लोग पहले ही नहीं आए गृह जिले में लगे वो दोबारा क्यों आएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कई सैकड़ों पद खाली है, वो अभ्यर्थी निराशा में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो पोस्टेड अभ्यर्थी पुनः दूसरे विषय में आ रहे हैं। इस समस्या को लेकर ये लोग मेरे पास तमाम प्रदेश से सभी लोग पहुंचे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट में इनकी याचिका लगी है, जयपुर हाईकोर्ट में भी ये याचिका लगाने जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आती कि अब राजस्थान में एक नया नियम तो बन चुका है कि जो ऐसे अभ्यर्थी है जिन अभ्यर्थियों का काम बिल्कुल सही है, लीगल है, लेकिन उन लोगों को फिर भी कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि कई अधिकारियों को केवल अब बेरोजगारों की भाषा समझ में नहीं आती, अब उनको कोर्ट की भाषा समझ नहीं आने लगी। जब कोर्ट से नोटिस जारी होता है, कोर्ट से आदेश जारी होता है, और जब उनको लगता है कि हमें कोर्ट से अवमानना मिलने लगने वाली है, तब वो जागते हैं, तब वो सुनते हैं। इसलिए मजबूर होकर बेरोजगारों को दोनों तरफ भागना पड़ता है, वो प्रयास भी करते हैं और कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन ये जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा ऐसा होता रहेगा, बेरोजगार पिसता रहेगा। मेरे तमाम साथी कई लोग मेरे पास पहुंचे हैं जिन लोगों ने किसने ST की जगह OBC भर्ती, यानी कि कैटेगरी गलत भर्ती, किसी ने नेट जो उसने इमित्र वाले ने गलती से उसको स्पोर्ट्समैन बना दिया, जबकि उसकी कैटेगरी में नंबर आया, कोई छोटी छोटी विसंगतियों को लेकर भी काफी लोगों को बाहर कर दिया गया। अभी कई अभ्यर्थी मेरे पास वो भी पूछे थे कि उनके नंबर ज्यादा थे, गलती से उन्होंने कम नंबर भर दिया, जबकि ज्यादा नंबर की वजह से OBC नहीं जनरल में भी फाइट कर रहा। तो तमाम छोटी छोटी गलतियों को अधिकारी उनको नकारते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद फिर अवमानना जब लगती है तो वो लोग उसको लेते हैं। तो ऐसे में अधिकारी पहले ही उन लोगों को ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं न तो उनका पैसा बर्बाद होगा, न समय बर्बाद होगा, न मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। यही स्थिति इस रीट शिक्षक भर्ती 2018 Level 2 में है कि जो अभ्यर्थी पहले से पोस्टेड है उनको दोबारा उन लिस्ट में डाला जाता है, बार बार डाला जाता है। ऐसे में जो कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके सपने साकार होने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टेड अभ्यर्थी को पुनः दूसरे विषय में उनका सूची में नाम डाल दिया जाता है। अब हम सब मिलकर एक प्रयास कोर्ट के माध्यम से भी कर रहे हैं और प्रयास सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD से सुबह भी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने समय मांगा है रीट लेवल प्रथम के वेटिंग और रिसेप्शन को लेकर, इनकी समस्या को लेकर, और जो संस्कृत विभाग की 2017 की
जिनकी वेटिंग जो आनी थी उनको लेकर, इसके अलावा 2016 में भी साइंस में तो अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी मेरे से मिलके गए थे, तमाम विषय को लेकर। और मैं मुख्यमंत्री से समय मांग रहा हूँ, तो मार्च में समय नहीं मिलेगा, आज उनके ओएसडी साहब ने बताया कि अप्रैल में आप लोगों को समय दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों समय के साथ ही हम लोगों को एक चीज को लेकर हमें पूरी ताकत के साथ हमारी बात रखनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि अभी तक जब भी हम उनके सामने गए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को राहत मिली है, उनका काम हुआ है। आप एजी साहब को उतारना देख लीजिए, व्याख्याता भर्ती का परीक्षा आगे बढ़ाने का मामला देख लीजिए, साइंस में 26,000 की जॉइनिंग, एजी जोधपुर, तमाम या सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह जब भी हमने सहायता मांगी, चाहे कैलेंडर जारी कर, हर जगह सरकार ने हमारा साथ दिया है, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन साथ में ही हम लोगों को एक बार फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम जाएंगे तो हजारों की संख्या में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये रखी जाएगी कहीं ना कहीं जो जानबूझ कर लापरवाही कर रहे हैं इन अधिकारियों को भी सबक सिखाया जाना चाहिए। उनको सबक नहीं सिखाएंगे तो बार बार गलतियां करेंगे। इन गलतियों को लेकर मैंने उनको पहले भी समझाया था कि ऐसा रहा तो ऐसे कई अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, और वो विसंगति इस भर्ती में पुनः देखने को मिली है। अब फिर हमारे यही है कि या तो उनसे सहमति असहमति का उनसे प्रमाण पत्र फॉर्म भरवाया जाए, इसके अलावा उनके SSID ब्लॉक की जाए, इसके अलावा या 2 गुना या 3 गुना वो जारी की जाए जिससे अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। इसके अलावा दोस्तों ये अभ्यर्थी मेरे पास पूछे हैं, राजस्थान के तमाम कोई भी बेरोजगार पूछो, उस हर बेरोजगार के साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है। मैं तमाम युवाओं को जो और भी अभ्यर्थी घर बैठे हैं, ये लोग संघर्षशील है, उन लोगों को इतना ही कह सकता है, इन लोगों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, चाहे मेरी जान भी दांव पे लगानी हो मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज भी मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलकर आया हूँ, उन्होंने ये तो सहमति दे दी कि एक और सूची जारी होगी, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो स्पष्ट निकल के आ गई कि एक और सूची जारी होगी। लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आ रहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि नई भर्ती आ जाएगी, पद लैप्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, अभी दूर दूर तक इसकी आशंका नहीं है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी कह दिया कि 5-6 महीने तो भूल जाओ, तो कुल मिलाकर कोई भर्ती नहीं आने वाली। इसलिए आप ना सोचो कि नई भर्ती से आने तो DOP का सर्कुलर लागू हो जाए, हमारे पास लैप्स हो जाए। DOP का सर्कुलर क्या कहता है मैं बता दूं, DOP का सर्कुलर यही कहता है कि यदि पुरानी भर्ती के पद है और नई भर्ती आ जाए उसकी काउंसलिंग हो जाए तब पुराने पद लैप्स, काउंसलिंग से पहले भी वेटिंग और रिसर्च पर आ सकता है। कई लोगों को अधूरा ज्ञान है, लंबे फेंकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ सरकार पे पूरा दबाव बना रहे हैं। CM साहब से मैं मिल रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से पहले मिल चुके हैं। इसके अलावा 2016 के भी वो लोग आए थे, उनको शिक्षा मंत्री जी मिले थे, मैं भी मिला था, उन्होंने कहा कि मैं समीक्षा करके दोबारा कोशिश करूंगा कि इसको डिवीजन बेंच पे अपील नहीं की जाए। 2016 अंग्रेजी वालों भी कह रहा हूँ, काफी लोगों परेशान है, उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा, एक एक बेरोजगार के मैं साथ हूँ। 2016 के साइंस में के अभ्यर्थी हैं उनके भी, और इसके अलावा संस्कृत विभाग 2017 की उसकी याचिका भी लग चुकी है, और जो गर्ग साहब ने, सुभाष गर्ग साहब ने एक बात कही थी कि मैं डिवीजन बेंच में इसको अपील नहीं करूंगा, तो कहने के उनका भी रास्ता खुलेगा। मैं तमाम अभ्यर्थियों को यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उपेन्द्र यादव आपके साथ 24 घंटे। इसके अलावा रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा वेटिंग और रिसिपल के लिए, क्योंकि हम सब मिलकर जब मुख्यमंत्री जी से हमें समय दे तो हम सब लोग वहां पूछेंगे। हालांकि अभी मेरी जो सचिव एजुकेशन सेक्रेटरी से बात हुई, निदेशक मोदी जी से बात हुई, तो इन सब लोगों की जो कहने का मतलब और जो इच्छा है, ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद रिसेपल और वेटिंग आए, लेकिन हमारा प्रयास है पहले आए। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आज मैं खुद CM OSD से मिलकर आया था, उन्होंने ये कहा था कि हाँ हम दस्तावेज सितंबर तक आपकी करिया आपका काम करवा देंगे। तो हम लोगों को तमाम प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से बात रखकर कम से कम हमारा रिजल्ट जारी हो और प्रक्रिया पूरी हो, चाहे जॉइनिंग लोकसभा चुनाव के बाद मिल जाए लेकिन लेवल फर्स्ट की होनी चाहिए। लेकिन तमाम ये लोग और पूछे, उन लोगों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके साथ मैं हूँ, आपके जो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जहां तक संभव होगा मैं आपका पूरा साथ दूंगा। पूरा साथ नहीं, आप लोगों की एक और लिस्ट जारी करवाकर आपको स्कूल में भेजने का काम हम लोग, हम सब मिलकर करेंगे, भैया आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा 2016 वाला मैंने बता दिया, 17 वाला संस्कृत वाला बता दिया, लेवल फर्स्ट का भी बता दिया, ये तमाम रिसेप्शन और वेटिंग के बारे में चर्चा है, क्योंकि मैं इन लोगों की बात कहूंगा दूसरा कमेंट आएगा मैं भूल गया, मैं भूला नहीं हूँ। ये लोग मेरे कार्यालय में पूछे हैं, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए, जो लोग पूछते हैं उनकी आवाज मैं बुलंद करने का काम करता हूँ, उनकी आवाज उठाने का काम करता हूँ। मैं खुद CM आऊ जाके आऊँ और सबकी बात रखी और सेक्रेटरी साहब से मिलकर आऊँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ दोस्तों नई भर्ती को लेकर आप विस्तृत न हो कि पद लैप्स नहीं होंगे। दूसरी बात, आपकी सूची जारी होगी ये तय हो चुका है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने कह दिया है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, दूसरी सूची के बारे में आज से कई महीनों पहले जब CMO में हमारी मीटिंग हुई थी तभी तय हो चुका था, जब उपनिदेशक महोदय चारण जी वहां मौजूद थे,
संयुक्त सचिव वहाँ मौजूद थे, तो हमने एक ही बात रखी थी, तमाम दो तीन लोग राजेंद्र जी दो तीन लोग मेरे साथ शामिल थे, हमने कहा था कि पोस्ट बैठी अभी भी आए दोबारा भी आएंगे, उन्होंने कहा था कि ये दोबारा भी आएंगे तो दोबारा एक और सूची जारी कर देंगे, तो सूची एक और जारी होगी, कोशिश रहेगी कि जो तमाम जो लोग वंचित रहेंगे उनका नंबर आए, उनका भविष्य बने। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो में बोलो विश्वास दिलाता हूँ, तो मैं आपको खुले में कह रहा हूँ मैं किसी का नहीं हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी का, मैं बेरोजगारों का हूँ, लेकिन यह भी तय है कि जब भी हम लोग अब ऐसा अपने आप को ऐसा महसूस करें कि ये सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को राहत मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, शिक्षा मंत्री जी के पास गए और उप मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने हमारी मांगे भी सुनी है और उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया, मान सम्मान भी दिया, इसलिए मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार हमारे साथ है तो हम सरकार के साथ भी रहेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, क्योंकि सरकार का अहम योगदान होता है, क्योंकि सरकार का साथ हमें चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव चाहे आगे हो लेकिन 5 साल यही सरकार रही और इसी सरकार से हमें काम करवाना है, इसलिए हम सब सरकार के साथ है, सरकार से मिलकर हम सबका काम करवाना है। आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि आप लोग जब जब मुझे याद करोगे आपके साथ में हूँ। इस वीडियो में अंतिम में मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोगों को जब जयपुर बुलाया जाए, मुख्यमंत्री जी से समय मिले, चाहे रीड शिक्षा भर्ती 2016 साइंस में अंग्रेजी वाले हो, चाहे रीड शिक्षा भर्ती 2018 लेवल वेटिंग वाले हो, चाहे आप लोग जो रीड लेवल 2 के जो वंचित रह गए संस्कृत सामाजिक ज्ञान और हिंदी की अंग्रेजी जो भी अभ्यर्थी है वो हो, तमाम लोगों को एक साथ जयपुर पूछना है, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी पीड़ा रखनी है और साथ में अपनी बात रखकर अपना काम करवाना है। आप लोगों को केवल इंतजार करना जयपुर आने का, जब भी समय होगा, जब भी मुझे समय मिलेगा उनसे मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा, एक साथ आप लोगों को पहुंचना है। इस संबंध में आप लोग पूछे, आप कुछ कहना चाहते हो, कोई लोग इसमें से बोलना चाहते हो? नहीं आएंगे हम, जब आप बुलाओगे तब उस टाइम आएंगे, एक बार आप ऑडियो डाल दोगे या वीडियो डाल दोगे तो हम सब लोग आपके पास आने के लिए तैयार हैं। और SST संस्कृतवाले से ये मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि पहले तो 612 सीटें थे उसमें से सारी की सारी अभी तक खाली पड़ी हैं, दो बार रिस्पल आ गए, वेटिंग आ गई, उसके बाद भी 500 सीटें खाली, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट में यानी जिले में जाके आप देख लो कोई ज्वाइनिंग लेने नहीं जा रहा है संस्कृत में, यही हाल है हर जगह, यही SST में है। और मैं ये चाहता हूँ कि 2 या 3 गुना वेटिंग लिस्ट जारी करवाया जाए बस इसमें, और इसमें हमें उपेन भाई का साथ पूरे का सहयोग जरूरी है, और हम इनका साथ देने के लिए हर पल तैयार रहेंगे, जब बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। दोस्तों ये लोग वो पीड़ित लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने इनका चेहरा भी देखा होगा, इनके तो ओवरेज में चल रहे हैं, तमाम लोग वो पीड़ित है, इनके साथ ही कई लोगों का नंबर आ चुका है, लेकिन जिस प्रकार समाज में अपने परिवार में और गांव में कई बार कहते हैं कि आपका नंबर क्यों नहीं है, कई बेरोजगारी कई चीजों का सामना करना पड़ता है, पीड़ा होती है, एक दिल में एक ठेस पूछती है कि हाँ कि मैं योग्य होकर अयोग्य हो रहा हूँ, क्योंकि योग्य इसलिए है कि कई सीटें आज भी खाली है, उन सीटों पर इनका नंबर आ सकता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इनकी चेहरों पे जिस प्रकार 26,000 हो, जिस प्रकार कमलेश मीणा के अलावा लेवल 2 के हो, जिन लोगों से जितना वादा किया वो पूरा किया, उनके चेहरों पे खुशियां लाने का वादा किया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा दूसरी सूची निकलवाकर आपके चेहरों पे खुशियां लाने की। आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि संस्कृत में गवर्नमेंट ने 614 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें से 612 पदों पर उन्होंने पहली चयन सूची जारी की, जिसमें से 526 पद खाली रहे और 86 पदों पर पोस्टिंग हो पाई है, और अब जो 526 में रिस्पल और वेटिंग किया है उसमें से भी लगभग 500 प्लस पद खाली है, तो उपेन भाई जी ने हमको बता दिया है कि ये लिस्ट 100% आने वाली है, तो काफी पदों पर 500 प्लस आएगी, और हमें सबको मिलकर उपेन भाई का साथ देना। उपेन भाई ने बता नहीं दिया, साथ आपको देना, प्रयास मेरा रहेगा और प्रयास सफल भी रहेगा, आज तक जितने प्रयास किए वो सफल रहे, आपका सहयोग रहा तो 100% होगा, मैं सीना ठोक के आपको कह रहा हूँ आपके साथ।